आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चाउमीन की रेसिपी। जी हाँ, जब मेरी दोस्त आके कल शाम को घर में पहुँच गई, मैंने तुरंत सोचा घर में क्या बनाऊँ, तो कुरकुरे चॉकलेट तो ऑलरेडी मेरे पास थी, तो घर में जो भी सामान थे उससे बना के मैंने तैयार कर लिया ये चाउमीन। तो मेरे पास ऑलरेडी ये पैक था चाउमीन के, मैंने उसमें निकाले और ये देखिए पतले पतले से ये चाउमीन लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो इसको लेके बनाऊंगी, आगे की प्रोसेसिंग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन को कर लिया है गरम और उसमें एक उबाल आने तक मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। जैसे ही उबाल आ जाए उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़रा सी नमक और यहाँ पे ऑयल ज़रा सी डाल दूँगी। ऑयल डालेंगे तो चाउमीन क्या होता है ना, आपस में नहीं चिपकेंगे। बस मैंने यहाँ पे चाउमीन को डाल दिए, मुझे जितना बनाना था, फिर कवर करके रख लिए। जब तक वो पक रहे हैं जब तक चलिए मेरे पास जो भी सब्जियाँ थी, प्याज टमाटर, मैं इसको कट करके रख लूँगी। आपको भी प्याज को ऐसे ही बड़े बड़े पतले पतले में कट कर लेनी है, जैसे ही प्याज मैं यहाँ पर वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को कट करके कर लिए रेडी। और उसके बाद मेरे पास घर में रखे हुए थे ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम ही मेरे पास थे, तो मैं इसको एकदम पतले पतले में, जितना मेरे से हो सकता है पतले पतले में कट करके यहाँ पे रख लूँगी। और कैप्सिकम सारे कट होके तैयार हो गए मेरे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मिर्च थे मेरे पास उसको भी कट करके इस तरह से रख लूँगी। देखिए इस तरह से बड़े बड़े में कट कर लेनी है, बस दो पीस ही कर लेनी है, ताकि इसमें ना जब आप चाउमीन में डालोगे तो बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। तो ऐसे कट करके मैंने प्याज को रखने के बाद यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ टमाटो, उसको भी पतला करके बारीक बारीक में एकदम कट कर लूँगी। और टमाटर और सारे चीज़ें कट करके मेरे देखिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो अब क्या करते हैं हम, चलिए देखते हैं हमारा जो चाउमीन था वो पका है या नहीं पका है। और ये देखिए बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं पकानी है, 70-80% ये तो पक गया है। अब इसको क्या करेंगे, एकदम ठंडा ठंडा पानी में ना अच्छे से कर लेंगे वॉश। और ये देखिए वॉश करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं मेरे खिले खिले चाउमीन। जी हाँ, अब आगे की प्रोसेसिंग के लिए मैं पैन को कर लूँगी गरम और सारे जो काट के मैंने रखे हुए थे सबको एक साथ डाल दूँगी। कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, सबको एक साथ डाल लेनी है और गैस को बिल्कुल धीमा ना करते हुए हमें इसको चला लेनी है। बस इसको एक मिनट तक ऐसे ही चला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, नमक हल्दी और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर दे रही हूँ और इसको चला लूँगी। बस इसको 4-5 मिनट तक हमें ऐसे पकने देना है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा 70-80% तो पकानी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैं दे रही हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च की, मेरे पास पाउडर थे उसको डाल रही हूँ और चला रही हूँ। कवर करके अब हमको थोड़े से इसको पकने देना है और इसके बाद हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट सा मसाला, और इसमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बता रही हूँ इतने ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बन करके ये तैयार हो जाएंगी। ये मेरे पास चिंग्स के जो चाउमीन की मसाले है ना वो था, चिंग्स सीक्रेट का। ये मसाला डाल दोगे, आपको सच बता रही हूँ, और ज़्यादा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको चला लेनी है और ये मसाले को अच्छे से प्याज और कैप्सिकम के अंदर बिल्कुल घुल मिलने देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास ये टमाटो सॉस था तो मैं इसको डाल दूँगी। अब हमको कुछ नहीं करना है, जो चाउमीन को हमने वॉश करके रखा था ना उसको ऊपर से डाल देंगे और सबको अच्छे से एक मिक्स कर देंगे। और सबको मिलाने के बाद ना, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और आपका चाउमीन बन करके यहाँ पे तैयार हो गई है। बिल्कुल देर ना करते हुए मैं क्या करूँगी, ये देख रही है ना कलर कितनी मस्त आई है, तो देर ना करते हुए चलिए प्लेटिंग की भी शुरुआत कर लेते हैं। एकदम खिले खिले से ये चाउमीन बन करके तैयार हुए थे, ये दिख रही है ना आपको,
बहुत ही ज़्यादा खिले खिले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ज़्यादा मसाले में यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करी हूँ, आप फिर से देख लेना वीडियो। बिल्कुल घर के सिंपल चीज़ों से बन करके तैयार हुए थे और मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो कुरकुरे का पैकेट था उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है, और कुरकुरे चाउमीन के साथ कुछ मीठा तो बनता है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे मीठा के लिए मेरे पास जो चॉकलेट थी मैं इसको ले रही हूँ। तो हम दोनों तो चले ये नाश्ता करने। आप ये वीडियो को देख के दोबारा एक बार इस तरह से चाउमीन को बना के देखिए, और मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय दोस्तों।